अरे बिना हम्म, भाई, मीनाक्षी का फोन आ गया है कि वो अपनी सहेली की शादी में इलाहाबाद पहुंच गई ठीक ठाक। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको तो बेसब्री से इंतजार है कि मीनाक्षी की शादी भी तय हो जाए। कब उसकी सहेलियों को मौका मिलेगा हमारे घर पे आने का? आपको आपकी पड़ोसी बेबी आंटी के हार चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? अरे आपके पड़ोसी चटर्जी बाबू और उनकी बीवी ने एफआईआर लिखवाई है कि आपने उनका डायमंड नेकलेस चुराया है। हमने? अयोध्या, अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारे पति बहुत शरीफ इंसान है, अरे बहुत ईमानदार है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सुनो, ये आनंद बाबू हमारे घर से हाथ में का लेके जा रहे हैं। उड़ी बाबा, वो दही का चावल लेने आए थे। दही का चावल लेने आए थे? तो ऐसे चोरों की तरह काहे भाग के जा रहे हैं? इनका ऐसे चोरों की तरह भाग के जाना ठीक नहीं लग रहा हमको। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ओहो, अरे उस समय तो हमको टॉयलेट से कॉल आ गया था, तो हम भाग के घर आ गए। आप झूठ बोल रहे हैं। है? 5:30 बजे जब मैं घर से निकल रही थी, मैंने अपने हाथों से तिजोरी में अपना नेकलेस रखा था। 750 ग्राम टमाटर लेके जब मैं 6:30 बजे घर वापस आई, मैंने तिजोरी खोल के देखा तो नेकलेस वहां पे नहीं था। और देखने वाला बात ये है कि उस टाइम का बीच में आनंद माथुर का इलावा हमारे घर में कोई नहीं आया। इसका मतलब चोरी किया किसने? इन्होंने किया। हाँ भाई, इसे कहते ऊपर कुआं नीचे खाई। अबे मुहावरा तो ठीक से बोले, आगे कुआं पीछे खाई होता है। अब चल सच सच बता कि हार की चोरी किसने की है। काजल भाई, हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। आपके मरे हुए बाप की कसम है? नहीं, मेरे मरे हुए बाप की कसम। ये सबसे पहले तो जो बकाया है तुम्हारा 1.5 महीने का, वो रख लो है। और ये हाँ, तो देखो ईमानदारी, मतलब ललन इस पैसे से अपने बेटे का एडमिशन अभी जाके स्कूल में करवा। बहुत बहुत लेकिन लेकिन ईमानदारी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से। अरे बिना ललन भी खाना खाएगा, इसके लिए खाना लगा दे ठीक है। बस अभी परोसते हैं। ललन तुम बैठो। ये लो हुआ? इसमें मक्खी है क्या? रुक जाओ। नहीं दारी, सुनिए तो, कल आपको पुलिस पकड़कर जेल ले जाएगी। आपको वहाँ पे कुछ अलग नहीं लगना चाहिए और वहाँ पे कुछ तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभी इसी वक्त से आपको जेल के माहौल में ढलने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। क्या बच्चे हैं, वाह क्या बच्चे हैं।